आज हम आपको एक ऐसे माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 200 वर्ष पुराना है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद माँ की प्रतिमा खुदाई के दौरान जमीन में से निकली थी। रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है 200 वर्ष पुराना नवदुर्गा का एक अति चमत्कारी मंदिर। ये मंदिर विक्रम काल से भी पहले का पाषाणकालीन मंदिर बताया जाता है। ग्रामीणों से पता चलता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के काल में भी यह मंदिर मौजूद था। श्री कृष्ण के महापरायण के बाद मंदिर की सारी मूर्तियां जमीन में समा गई थी, बस पाषाणकालीन अवशेष रह गए थे। कालांतर में ग्रामीणों द्वारा जब इस स्थान पर खुदाई की गई, तब जमीन के अंदर से प्रतिमाएं मिली जिन्हें पुनः बाहर निकालकर प्रतिष्ठित किया गया। कहा जाता है कि नवदुर्गा की सारी प्रतिमाएं एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी विराजित नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि मां के दरबार में जो भी भक्त आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मंदिर के पास ही एक बावड़ी मौजूद है जिसके पानी से स्नान करने से हर तरह के रोग दूर होते हैं। साथ ही यहाँ कल्प वृक्ष का एक पेड़ भी है। ऐसी मान्यता है कि यह पेड़ मन की कल्पना पूरी करता है। पेड़ की परिक्रमा लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं एवं सारी मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल सत्य बात है ये, और ये अति प्राचीन यहाँ की सभ्यताओं के बारे में अभी तक किसी को ज्ञान भी नहीं है। और हमारे पुरखे यहाँ पर पूजा करते हुए आ रहे हैं, और उनको भी कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ पर यह धरती के अंदर थी माता जी, और इनका प्राकट्य हुआ था आज से 150-200 साल पहले। तब यहाँ प्रतिष्ठित कुछ सेठ लोग थे, और उन लोगों ने जब आके यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कुछ चमत्कारिक जगह नज़र आई उनको, और यहाँ मिट्टी के अंदर दबी हुई ये प्रतिमाएँ जो पेड़ों के जड़ों से लिपटी हुई थी, तो उन्होंने धीरे धीरे जब इसकी खुदाई करी, बाहर निकाला तो पता चला कि ये कुछ नारी शक्तियाँ हैं। और ये जिस रूप में जिस स्थान पर ये विराजित है, वो तिल भर भी इधर उधर नहीं हुई थी उनके हाथों से। तब उन्होंने सबने मिलकर यहाँ पर छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, आसपास के पेड़ पत्ते वगैरह लाके झोपड़ी बनाई। और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर एक सेठ रहा करते थे चांदमल जी करके, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने यहाँ पर एक मन्नत ले ली कि अगर मेरे संतान हुई तो मैं ये मंदिर बना दूंगा। तब उनके दूसरे ही वर्ष उनके संतान उत्पत्ति हुई, और उन सेठ ने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर रूपे भवन बनवाया था। तब से वहाँ पर यहाँ विराजमान थी। अभी सन 2000 के अंदर यहाँ पर एक चमत्कार हुआ कि एक व्यक्ति पहले इसमें जो भदवा माता में थे, तो उनको वहाँ पर सपना आया कि मैं तेरे गांव के पास में बैठी हुई हूँ, तू वहाँ और इस बावड़ी में स्नान कर और मेरे दर्शन कर, मैं तुझे ठीक करूँगी। जैसे उसने अपने बच्चों को बताया तो वो बच्चे उनको लेकर यहाँ पर आए, और उन्होंने यहाँ पर स्नान करा उस बावड़ी में, और बताया कि यही बावड़ी मुझे सपने में दिखी थी। उसके बाद उन्होंने दर्शन करे, और दूसरे ही दिन वो अपने पैरों से चलने लग गए थे। जब ये चमत्कार के बारे में जब सार्वजनिक रूप से सब जनता को पता चला, तो सन 2000 के अंदर एक धाम चली जिसमें हजारों लोग इस माँ के दर्शन करके स्नान करके जो पुण्य लाभ लिया और स्वास्थ्य लाभ लिया, सभी स्वस्थ होके गए। और यहाँ पर साहब जो डॉक्टरों ने भी जिन माता बहनों को कह दिया था कि यहाँ बच्चे नहीं होते, माँ के यहाँ पर जब उन्होंने मन्नतें ली, यहाँ गोद भराई हुई, तो आज माँ ने उन सब माताओं बहनों की गोदों को हरी करी है। और यहाँ असाध्य से असाध्य, जब बावड़ी में पानी समाप्त हुआ अत्यधिक भीड़ के कारण, तो नीचे से बची हुई मिट्टी से कई कोड़ियाँ अपने कोड़ वाले उस मिट्टी को जब अपने शरीर पर लगाए तो वो भी स्वस्थ हुए। और माँ आज भी चमत्कारिक रूप से सब लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रही है, हर प्रकार की मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करती है। यहाँ करीब करीब 4 से 5 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, और विशेष त्योहारों पर है यहाँ पर आते रहते हैं, और अपनी मनोकामना या माता जी उनकी पूर्ण करती है। देखा गया है विश्व में, माना जाए कि एक साथ 9 बहने एक साथ में विराजित हुई जी, कहीं पर भी नहीं है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिस प्रकार से यहाँ विराजित है माता जी, जिनका चंद्रा आकार में विराजित है, सूर्य का वर्ण है, और 10 दिशाओं में जो निगाहें हैं माता जी की, ऐसा अद्भुत चमत्कारिक मंदिर और भारतवर्ष में नहीं है। विश्व का तो अज्ञानित, भारतवर्ष में नहीं है तो फिर कहीं पर भी नहीं हो सकता। देखा गया है तो पास में बावड़ी की क्या विशेषता? बावड़ी की वो एक गुप्त गंगा है सर, उस जल से ही स्नान करने से कई रोगों का शमन हो जाता है। और बताते हैं कि ये स्वयं गंगा ही है जिसका जल आज भी 20 वर्षों से लोगों के पास घर पे रखा हुआ है, और ये खराब नहीं हुआ है।
ये गुप्त गंगा ही है। आमजन दिनों में तो इस चमत्कारिक माता मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती ही है, वहीं नवरात्रि में भी यहां का माहौल देखते ही बनता है। मंदिर को आकर्षक तरह से सजाया जाता है, वहीं मां की प्रतिमाओं का भी सुंदर और आकर्षक श्रृंगार किया जाता है।